नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमारा होम थिएटर सिस्टम दिया गया होता है उसमें जो ये ग्राफिक इक्वलाइजर दिया होता है इसको किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों से पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा बनाया वो वीडियो पहले देखें जिसमें मैंने ग्राफिक इक्वलाइजर के बारे में पूरी डिटेल में बताया है कि ये ग्राफिक इक्वलाइजर होता क्या है। उस वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर आ जाएगा और मैं साथ ही उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो होम थिएटर रूम में सेटअप करने के बाद रूम में रखे फर्नीचर वगैरह की वजह से कई बार फ्रीक्वेंसीज हमारे कानों तक उस तरह से नहीं पहुंच पाती हैं जिस तरह से उन्हें हमारे कानों तक पहुंचना चाहिए। तो अब उन्हें सही तरह से अपने कानों तक कैसे पहुंचाया जाए वो इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। अब ये तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ ये उस लेवल का प्रॉपर तरीका तो नहीं है जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया जहां पर कि माइक लैपटॉप और सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर डाल करके जो सब किया जाता है, लेकिन इसे हम जुगाड़ कह सकते हैं। तो जिस जुगाड़ की मैं बात कर रहा हूँ वो जुगाड़ एक एप्लीकेशन है जो कि हम अपने फोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब वो करेंगे कैसे, हम जाते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर पे और फिर वहां जाने के बाद हम सर्च कर लेते हैं RTA एनालाइजर। ये आ गया, ये सबसे पहले ही यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है। ये RTA एनालाइजर जो है ये हमें अपने फोन पे इंस्टॉल कर लेना है। तो अब ये इंस्टॉल हो गया, अब इसे हम कर लेंगे ओपन। अब ये जो RTA एनालाइजर है इसको जरूरत होती है हमारे फोन की माइक्रोफोन की, तो उसके लिए हम इसको परमिशन दे देते हैं कि भैया ठीक है तुम ले लो हमारे परमिशन। अब ये यहाँ कह रहा है कि इसको आप प्रो वर्जन ले लो तो आप इसको बेहतर तरह से यूज़ कर पाओगे। मैं इसको इस तरह से रख लेता हूँ तो थोड़ा आसानी होगी इसको समझने में। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था ना कि बैंड्स होते हैं इक्वलाइजर में, तो वहाँ पर जैसे कि हमारे उसमें AVR में 7 बैंड थे, वैसे ही जो यहाँ ग्राफ का डिस्प्ले है उसमें यहाँ पीछे अगर आप देख रहे हो थोड़े थोड़े ये बैंड जैसे चल रहे हैं, ये बढ़ा सकते हैं हम। तो वो प्रो वर्जन लेने में फ़ायदे तो हैं, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि हमें प्रो वर्जन लेना या नहीं। मैं ये मान के चलता हूँ बिना प्रो वर्जन लिए क्या क्या कर सकते हैं वो हम पहले चेक कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इसको करते हैं ओके। अब ये जो यहाँ पर दिख रहा है इक्वलाइजर जैसा अपना डिस्टिक ऊपर नीचे बढ़िया मज़ेदार लाइटें, ये सब क्या है? तो अगर आप यहाँ नोटिस करो तो देखो 32, 64, 125 से लेकर के 16K तक सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज ये हमें शो कर रहा है। तो अब जब हम पिंक नॉइज प्ले करेंगे तो यहाँ पर एक ग्राफ दिखाई देगा हमको इक्वल लेवल का भी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे माइक से जो आवाज़ जा रही है उसका ये फ्रीक्वेंसीज, उस जो मेरी आवाज़ जिस तरीके से फ्रीक्वेंसी है उस तरीके की आ रही है। अब देखिए अगर मैं बोलूँ तो देखिए इधर की फ्रीक्वेंसी ऊपर हुई ना, अब मैं जैसे बोलूँ अब बेस वाली फ्रीक्वेंसी ऊपर हुई आपने देखा होगा, और वैसे ही जब मैं बात कर रहा हूँ भी तो वोकल जो मेरा आ रहा है बीच का वो ये सब आ रहा है बीच का। तो ये सब फ्रीक्वेंसीज के बारे में मैंने वहाँ डिटेल में आपको पहले ही बता दिया था, ये इस तरीके से होता है। तो अब क्योंकि पिंक नॉइज में सारी फ्रीक्वेंसीज एक लेवल पे एक बराबर होती हैं तो वो यहाँ पर हमको ये जितना ज़्यादा फ्लैट दिखाई देगा उतना ही हमें ये समझ में आ जाएगा कि जो पिंक नॉइज हमारे स्पीकर से निकल रहा है वो कितना क्लियर है, मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज बराबर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो चलिए अभी वो भी करके देख लेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं कि ये सब क्या क्या चीज़ें हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम जाएं इसके ऑप्शंस में, तो इसके ऑप्शंस में जाने के बाद हम देख सकते हैं सेलेक्ट नंबर ऑफ बैंड्स। तो अब ये जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा है। तो अभी क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है 120 तक का, लेकिन क्योंकि ये परचेज वर्जन में उसने बताया था कि लोगे तो मिलेंगे और 30 बैंड तक हमको इसी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे जो कि फ्री है। तो अगर हम इसको 30 पे कर लेते हैं फिर, क्योंकि अगर मैं चलिए 120 पे करके दिखाता हूँ तो ये बोलता है तुरंत देखिए खरीदो, तो अभी हमें नहीं लेना है और हमें ये बैंड जो है 30 पे रखने और ओके कर लेते हैं। देखिए अभी कितने सारे हो गए ना यहाँ पे, तो अब यहाँ पर थोड़ा बेटर हमको ग्राफ देखने को मिल जाएगा। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि भाई ये सब साइड में जो सब चल रहे हैं क्या, तो हमें जो मेन चीज़ ध्यान में देनी है वो क्या है, वो है ये कि यहाँ पर जो हमारा ग्राफ बनेगा वो हमें इक्वल होना चाहिए। अच्छा, उससे पहले हमको हमारे सारे स्पीकर्स का जो लेवल सेटअप है, स्पीकर लेवल सेटअप, वो पूरा बराबर 75 dB के हिसाब से कर लेना होगा। तो वो कैसे करना है उसके ऊपर मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं ऊपर यहाँ पे दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो, और या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा वहाँ से भी देख सकते हो। उसके बाद ही हम पिंक नॉइज़ को प्ले करके इस RTA मीटर पे चेक करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो वो तो अपनी लाइकिंग के हिसाब से है कि अगर कलर कोई अच्छा लगता है आपको तो आप वो लगा सकते हो। फिर अब थोड़ा सा इसको, हाँ जैसे कि ये कलर ठीक है इसमें थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा, तो ये रखते हैं।
अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं सारे जितनी भी चीज़ें घर पे इस वक्त ऑन हो, घर पे कोई मिक्सी चल रही हो, वॉशिंग मशीन चल रही हो, पंखा चल रहा हो, एसी चल रहा हो, सब बंद कर देंगे और उसके बाद हम पिंक नॉइज़ को प्ले करेंगे। तो हमारे रूम में जितनी शांति होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, इससे पहले और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो ध्यान में रखने वाली है, कि इसको रखना कहाँ पर है। वहाँ पर जहाँ पर बैठ के हम सुनने वाले हैं सारा अपना जो भी म्यूज़िक वगैरह सुनने वाले हैं, जो भी हमारे होम थिएटर से आवाज़ आएगी, तो हम कहाँ बैठ के उसको सुनेंगे, उस जगह पे इसको भी हम जाके रख देंगे। कमरे में बिल्कुल साइलेंस है, घड़ी की टिक टिक की आवाज भी ये पकड़ रहा है। देखिए आप, और जो बाहर से गाड़ियों के चलने की नॉइज आ रही है वो सब भी पकड़ रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है ये एप्लीकेशन। तो चलिए, अभी हम यहाँ पर, अब इतना तो मैं सन्नाटा नहीं कर सकता कि बाहर गाड़ियों को मना कर दूं कि भैया हॉर्न ना बजाओ, तो उतना तो मैनेजेबल है, देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। बट जितना ज़्यादा हो सके उतनी शांति करना कमरे में ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पर अपने रिमोट से, AVR के रिमोट से ऑन कर लेता हूँ इसके मेन्यू को। इसमें अब हम जाएंगे स्पीकर में। स्पीकर में जाने के बाद नीचे हम यहाँ पे देख सकते हैं इक्वलाइज़र। अब यहाँ पे हम जाएंगे, तो अब यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है कि क्या। अब यहाँ पे जैसे ये ऑफ है और ये ऑन है, तो अगर हमने ऑन कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये एक्टिव हो जाएगा। तो अब जैसे कि यहाँ लिखा है चैनल फ्रंट लेफ्ट, और इसको अगर हम रिमोट के राइट बटन को दबाएंगे, जो सेंटर में बटन दिया होता है उससे अगर हम जाएंगे, तो फ्रंट राइट, सेंटर, फिर सराउंड लेफ्ट, सराउंड राइट, और फिर से फ्रंट लेफ्ट। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है, एक एक स्पीकर का हम अलग अलग चेक करेंगे पिंक नॉइज़ चला के, कि हर एक स्पीकर से कैसी आवाज़ आ रही है। तो अब ऑन कैसे करेंगे, चलिए आ जाते हैं बाहर, फिर जाते हैं टेस्टोन में और टेस्टोन को ऑन कर देते हैं। तो अब यहाँ से फिर बाहर आते हैं, फिर इक्वलाइज़र में जाते हैं, फिर जैसे ही हम जाएंगे फ्रंट लेफ्ट, हाँ, अब देखिए सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज हमारी फ्रंट लेफ्ट से आनी शुरू हो गई हैं। अब हम अपने RTA मीटर पे देख सकते हैं सारी फ्रीक्वेंसीज को। अब मैं बोलना बंद करूँगा जिससे कि ये मेरे वॉइस को सुनना बंद करे, हम RTA मीटर जो हमारा है, और सिर्फ पिंग नॉइज़ की फ्रीक्वेंसीज को ही सुने। तो अभी मैंने जैसे फिंगर करके दिखाया था, तो बीच में एक जगह 1 kHz के आसपास जो था थोड़ा सा डिप था, और अगर हम इधर देखें जो 16 kHz के बाद हमें दिखाई दे रहा है वो काफ़ी ज़्यादा डिप था। अब यहाँ पर अगर देखें तो बेस हमारा थोड़ा सा हमको कम दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पर ये लगभग फ्लैट की तरह होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको पहले म्यूट कर देते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो ये माइक्रोफोन है, यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन का जो माइक्रोफोन होता है, वो इतना पावरफुल नहीं होता कि एकदम हाई फ्रीक्वेंसीज, जो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसीज जो कि यहाँ के कम दिख रही थी वो, और जो बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसीज की तरफ का पार्ट था, यानी कि 64 से नीचे का अगर हम देखें, 32 के आसपास का, तो ये काफ़ी नीचे था। तो इसका जो माइक्रोफोन होता है फ़ोन का, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना कि एक प्रॉपर RTA माइक्रोफोन हो सकता है। तो अगर हम फ़ोन के माइक्रोफोन को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें अपने दिमाग में ये मान के चलना पड़ेगा कि जो इस तरफ जो हल्का सा कम हमें दिखाई दे रहा है और जो इधर बेस की तरफ थोड़ा हमें कम दिखाई दे रहा है, ये सब जो फ्रीक्वेंसीज हैं इन्हें हमको बूस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये फोन का माइक्रोफोन है और वो इन सब फ्रीक्वेंसीज को सपोर्ट नहीं करता, वो अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता। तो इसलिए हमें ये इग्नोर करना पड़ेगा। लेकिन 1 kHz के आसपास, यानी कि जो बिल्कुल वोकल का पार्ट था, वो बहुत अच्छे से ये कवर करता, लेकिन वहां पर एक जगह हमने थोड़ा सा डिप देखा था। तो अब उस डिप को हम थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं वापस से पिंग नॉइस प्ले करता हूं। अब यहां अपने AVR के इक्वलाइजर पे 1 kHz के आसपास की फ्रीक्वेंसी को हम थोड़ा सा बूस्ट करके देखते हैं। ये देखिए काफी हद तक वो अपनी जगह से ऊपर आ गई। अब जरा 2 kHz पे भी थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। 2.5 kHz और 1 kHz दोनों को जब थोड़ा थोड़ा छेड़ा, तो यहाँ पर हमको काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। लेकिन अब इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हमने किया तो मिड टोन्स बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएंगी। तो क्योंकि ये हमारे माइक्रोफोन का भी एक इशू हो सकता है कि वो उसको इतना अच्छे से कवर ना कर रहा हो, क्योंकि फ़ोन का माइक्रोफोन इतने अच्छे नहीं होते हैं।
अब पहले तो मैं इसे म्यूट कर लेता हूं। अभी क्या हो रहा है कि यहां पर जो हम देख पा रहे थे कि जो बेस की फ्रीक्वेंसीज का कर्व नीचे की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा था, उसका क्या रीजन है फिलहाल? अभी ये तो माइक्रोफोन तो जो कम करता है वो रिकॉर्ड वो तो है ही है, प्लस साथ ही यहां क्या हो रहा है कि मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां से चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन में और यहां पर हम देखते हैं कि क्रॉसओवर जो है वो मैंने डाला हुआ है 200 हर्ट्ज पे। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी भी 200 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसीज हैं, फिर वो हो गई आपकी 125, 160 या फिर 40, 63, जो भी जितनी भी नीचे 20 हर्ट्ज तक जितनी भी जा सकती हैं, वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज अब मेरी कहाँ जाएंगी? सीधे सब बूफर में जाएंगी। तो 200 हर्ट्ज तक का हमारा जो है ये लेफ्ट स्पीकर हो, चाहे जितने भी बाकी के हमारे सराउंड स्पीकर्स हैं, फ्रंट हो गया, सेंटर हो गया, ये सारे के सारों में 200 से ऊपर की फ्रीक्वेंसीज हमको सुनने को मिलती हैं। इसीलिए इस जगह यहाँ हमारे मीटर पर हमने देखा था कि कम फ्रीक्वेंसीज शो कर रहा था ये, तो उसके पीछे वही रीजन था। और जो दूसरा माइक का मैंने बताया था वो तो था ही था। अब फ्रंट लाइट का सुन लेते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि एकदम सही तरीके से हमको सारी फ्रीक्वेंसीज दिखाई दे रही थी, तो ये एक अच्छा ग्राफ काउंट किया जा सकता है। मैं इसको फ्रंट राइट से अब आगे बढ़ाता हूं रिमोट से अपने टीवी पे। वाह 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 वाह, सेंटर चैनल की फ्रीक्वेंसीज देखिए आप कितनी जबरदस्त अच्छी तरीके से ग्राफ में आ रही हैं। सराउंड लेफ्ट में फिर से हम देख सकते हैं कि यहां पर 1 kHz और 2 kHz के बीच में थोड़ा सा हमको नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है, तो यहां हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, तो इसको हम ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। 3 dB के हिसाब से मैंने लगभग 1.5 dB के आसपास इसको 1.5 से 2 dB मैंने बढ़ा दिया है, क्योंकि 3 dB से ज़्यादा मैं जाना नहीं चाहता हूँ इसमें। और उससे जितना भी फ़र्क पड़ सकता था, थोड़ा बहुत 19-20 फ़र्क पड़ा तो उतना काफ़ी है फिलहाल के लिए। बट इसको जितना ज़्यादा फ्लैट कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अभी ये जो इक्वलाइज़र दिया है यहाँ पर हमको 1 kHz और 2.5 kHz के बीच में कुछ नहीं दिया है, तो वो उतना ज़्यादा अच्छे से बैलेंस नहीं हो पा रहा है साउंड की फ्रीक्वेंसी। तो इसको मैं यहाँ पर ही रखता हूँ स्केल करके। अब वैसे ही अब चलते हैं सराउंड, दूसरे वाले सराउंड की बात कर लेते हैं, सराउंड राइट की। सराउंड राइट हमें बराबर दिख रहा है। अच्छा, अभी मेरे चीज़ जो समझ में आई वो क्या है वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये जो इसका माइक्रोफोन है ये इस तरफ दिया हुआ है राइट की तरफ, और इधर कोई माइक्रोफोन है नहीं इसके लेफ्ट की तरफ में। तो भैया अभी कान तो हमारे दो है ना, तो एक लेफ्ट में और एक राइट में है। अब क्योंकि मुझे तो ये यहाँ पर आप लोग को दिखाने के लिए इसको सीधा ऐसे रख के दिखाना था, क्योंकि ये एप्लीकेशन को अगर हम ऐसे करते हैं तो ये ऐसे टर्न नहीं होती है। तो जब ये आप खुद करोगे तो ध्यान रखना कि ये जो फ़ोन है इसको आप ऐसे रखो कि जहाँ पर माइक्रोफोन ऊपर की तरफ आए आपका। तो इस तरीके से रखने के बाद जब आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखोगे तो वो और भी ज़्यादा बेटर तरीके से देखने को मिलेंगी। इस जुगाड़ से एक हद तक हमें ये आइडिया हो सकता है कि हमारे स्पीकर्स कितनी अच्छी साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो बहुत ज़्यादा डिप पॉइंट कोई यदि दिखाई देता है तो उसको तो हाथ भी मत लगाना, क्योंकि क्या होता है कि हमारे रूम में एक नल पॉइंट क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से वो डिप पॉइंट हमें दिखता है, हम कितनी भी फ्रीक्वेंसीज को छेड़ लेंगे वो खत्म नहीं होने वाला, तो उसे तो बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। अब अगर हम यहां पे नोटिस करें, इस जगह पे आप देखिएगा एक पॉइंट थोड़ा सा ड्रॉप हुआ वो हमें दिखाई देगा, तो हो क्या रहा है 250 के ऊपर वाला जो बार है वो एकदम काफ़ी हाइट तक जा रहा है, और उसके बगल में एक जो बार है वो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है, काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये है वो नल पॉइंट का ड्रॉप। तो अभी ये सेंटर चैनल पे है और यहाँ पर तो हमको ये नहीं दिया गया है कि भैया 250 हर्ट्ज के आसपास की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकें, तो चलिए हम मान लेते हैं कि 400 को हम थोड़ा बढ़ाते हैं। ये देखिए 3 dB तक मैं इसको लेके गया, लेकिन यहाँ पर कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, वही ड्रॉप है बड़ा, एकदम से वो ऊपर जा रहा है उसके बगल वाला, वो एकदम नीचे जा रहा है। तो अब इसको मान लेते हैं कि मैं इसको फुल कर देता हूं, तो यहां थोड़ा बेटर देखने को तो मिल जाएगा। ये देखिए इसको मैं पूरा फुल कर देता हूं, यहां थोड़ा बेटर तो हुआ है लेकिन पूरी तरीके से अभी भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन इसे पहले म्यूट करूं,
इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां जो हमने देखा कि वो ठीक तो दिखने लगा काफी हद तक, लेकिन अगर हम वहां देखें अपने टेलीविजन पे, तो जो हमने पहुंचा दिया उसको कहां एकदम मैक्सिमम कर दिया। तो भैया अब अगर जब हम कुछ भी आवाज सुनेंगे तो वो बहुत ही अजीब सी साउंड करेगी। तो मतलब जैसे कि जैसे मेरे जो मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं एग्जांपल दूं तो कैसे सुनाई देगी, हाँ भैया कैसा सुना दे रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब एक अजीब सा गूंजने की सी आवाज़ जो होती है ना एकदम, जो नाक से बोलते हैं, क्योंकि 400 के आसपास की जितनी भी फ्रीक्वेंसी थी वो काफ़ी बूस्ट कर दी हमने, तो वो बहुत ज़्यादा वियर्ड साउंड करे, बहुत ज़्यादा ख़राब सुनाई देगा। तो भैया इसलिए इस नल पॉइंट को हमको हाथ ही नहीं लगाना चाहिए, इसको हमको बिल्कुल भी सोचना भी नहीं चाहिए इसको ठीक करने के बारे में। तो इसको वापस से मैं ले जा करके न्यूट्रल कर देता हूँ, एकदम बीच में ला के रख देता हूँ, भैया हो गया। तो इस तरह से हम एक रूम में साउंड का ठीक ठाक इक्वलाइजेशन कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को दबा दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।